आपकी जेब पर फिर पड़ेगी महंगाई की मार। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को लेकर आई बुरी खबर। क्या सिलेंडर पर मिलने वाला डिस्काउंट हो गया बंद? अगर आप सोच रहे हैं कि अब आपकी जेब पर रसोई गैस के दाम का बोझ नहीं पड़ेगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। नेटवर्क 10 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली छूट यानी डिस्काउंट को अब खत्म कर दिया गया है। इसके बाद कमर्शियल सिलेंडर पर दिया जाने वाला 200 से 300 रुपए तक का डिस्काउंट बंद हो गया, जिससे ये सिलेंडर जिन कम कीमतों पर मिलता था वो अब नहीं मिल सकेगा। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा कमर्शियल सिलेंडर पर ज्यादा डिस्काउंट दिए जाने की शिकायतों को देखते हुए ये फैसला तेल कंपनियों द्वारा लिया गया है। तीनों सरकारी तेल कंपनियों यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC और HPCL और BPCL ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से कह दिया है कि वो उस डिस्काउंट को बंद कर दें जो अब तक ग्राहकों को दिया जा रहा था, जो कि उनके लिए एक राहत की चीज थी। आपको बता दें कि ये फैसला 8 नवंबर 2022 से लागू हो चुका है और इस बारे में अब आदेश भी सामने आ चुका है। HPCL ने यह फैसला अपने सभी कमर्शियल सिलेंडर्स जिसमें 19 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 47.5 किलोग्राम और 425 किलोग्राम वाला सिलेंडर शामिल है, उन सभी पर लागू कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब आपको सिलेंडर खरीदने के लिए अपनी जेब को जरा ज्यादा ढीला करना पड़ेगा। नए फैसले के मुताबिक इंडियन ऑयल ने भी आदेश जारी कर दिया है कि उसके इंडियन सिलेंडर जिसमें 19 किलोग्राम और 47.5 किलोग्राम के सिलेंडर शामिल हैं, उन्हें ग्राहक और डिस्ट्रीब्यूटर को बिना किसी डिस्काउंट के बेचा जाएगा। IOC के मुख्य महाप्रबंधक के जारी किए गए पत्र से ये बात अब साफ हो चुकी है। IOC ने यह भी कहा है कि इंडेन जंबो यानी 425 केजी वाला सिलेंडर के लिए प्लांट बेसिक प्राइस के 5000 रुपए प्रति मीट्रिक टन से ज्यादा का डिस्काउंट ना दिया जाए। साथ ही नेचुरल गैस की उपलब्धता वाले मार्केट में डिस्काउंट की सीमा उस स्तर तक तय की जानी चाहिए जिससे कि ये प्रति किलो 5 रुपए वाले डिस्काउंट से ज्यादा ना हो सके। अब मामला ये कि इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि सरकारी तेल कंपनियां वैसे तो घरेलू LPG सिलेंडर पर हो रहे घाटे की पूर्ति के लिए सरकार से मांग कर रही थी, वहीं कमर्शियल सिलेंडर पर डिस्काउंट दे रही थी। इसके चलते कीमतों में असमानता देखी जा रही थी, जिसे दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि अब ग्राहक फिर से घरेलू LPG सिलेंडर की खपत बढ़ा देंगे। इस फैसले के कारण तेल कीमतों पर भी असर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस राशि को वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्काउंट के रूप में दे रही थी वो अब घट जाएगी। इससे पेट्रोल डीजल की रिटेल बिक्री की कीमतों में कटौती देखी जा सकती है और ये आपके लिए सस्ते हो सकते हैं। तो इस खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।